Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Allah ne insaan ke haath mein sirf niyat aur koshish di hai, kamyabi wo deta hai. Bismillahirrahmanirrahim. नाज़रीन, आज की वीडियो में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से शुरू किया गया एहसास रिलीफ प्रोग्राम के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाही दी जाएगी और साथ के साथ आपको मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इस प्रोग्राम के तहत जो है फ़ंड हासिल कर सकते हैं। हस्ब रिवायत नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कॉमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से आगाह करें। वफाकी हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदारों में इमदादी रकम की तकसीम आज जुमेरात से शुरू कर दी गई है। लोगों को रकम की फराहमी के लिए 17,000 मराकज भी कायम कर दिए गए हैं। एहसास प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर सानिया निश्तर के मुताबिक मुस्तहिक अफराद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें तो जवाब में अहलियत के बारे में बता दिया जाएगा। अगर मैसेज भेजने वाला शख्स इमदाद का अहल हुआ तो उसे SMS के ज़रिए आगाह कर दिया जाएगा और ये भी बता दिया जाएगा कि वो किस मरकज़ से रकम हासिल कर सकता है। एहसास प्रोग्राम के तहत लॉकडाउन से मुतासर होने वाले 1,20,00,000 मुस्तहिक खानदानों में इमदादी रकम तकसीम की जाएंगी और एक ख़ानदान से एक ही शख्स ये रकम हासिल करने का अहल होगा। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के हवाले से टोल फ्री नंबर भी दे दिया है जिस पर कॉल करके मालूमात हासिल की जा सकती हैं। अगर कोई शख्स किसी भी किस्म की मालूमात लेना चाहता है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है जो नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बताया था कि जुमेरात से एहसास प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है जिसके तहत 3 करोड़ अफराद रजिस्टर्ड किए गए हैं। नादरा के साथ ताबुन से इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने वाले अफराद की तस्दीक भी कर दी गई है। 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान तकसीम हो रहे हैं। मुल्क में 17,000 मकामात पर यह रकम तकसीम की जा रही है। हुकूमत ने इस ज़मन में कुल 144 अरब रुपये मुस्तहिक अफराद को अतिया करने का ऐलान किया है। एहसास प्रोग्राम में जो मुश्किलात सामने आएंगी उसमें बेहतरी भी लाई जाएगी। टाइगर फोर्स अपने इलाकों में मुस्तहिक अफराद की निशानदेही करेगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,000 से बढ़ चुकी है जबकि 2,000 से ज़्यादा मुतासरीन के साथ पंजाब सबसे मुतासर सूबा है। पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद 63 है जबकि 500 से ज़ायद अफराद सेहत याब हो चुके हैं। हलाक शुदगान में से 17 का ताल्लुक पंजाब से है, 20 का ताल्लुक सिंध से है और इसके साथ साथ 20 का खैबर पख्तूनख्वा से है, 3 का गिलगित बल्तिस्तान से है जबकि 2 का ताल्लुक बलोचिस्तान और 1 इस्लामाबाद से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने खदशा भी जाहिर किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर न की गई तो पाकिस्तान में इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 50,000 तक बढ़ सकती है। नज़र मज़ीद वीडियोज़ और न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।